Hi, hello friends, this is Swadhin and welcome to our channel HD Global Biotech. So दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये हम कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियो के ऊपर बात करेंगे, ठीक है. बट ये मेरा दूसरा वीडियो होगा कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियो के ऊपर. पहले वाला जो वीडियो था उस पर कंडीशन था विथ वाटर एक्सचेंज. ये वाला जो वीडियो है इसका जो कंडीशन है विथ ज़ीरो वाटर एक्सचेंज, मतलब हम ये वाला जो बायोफ्लॉक आपका टैंक है उस पर हम वाटर एक्सचेंज नहीं करेंगे. हम मान के चलेंगे कि आप ऑलरेडी इस पर एक्सपर्ट हो चुके हो और आप वाटर एक्सचेंज नहीं करते हो, ठीक है. कभी कभार आप स्लाज निकाल सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, बिना वाटर को डिस्टर्ब किए. तो ये फंडा इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है. तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ उतना ही है जो वाटर एक्सचेंज के साथ हमने कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियो उसमें हमने दिखाया था. उस पर हमने मछली के खाने पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस पे जो कार्बन होता है, ठीक है, उस कार्बन का हम लोगों ने कैलकुलेशन आपको नहीं दिखाया था, ठीक है, क्योंकि पानी इतना एक्सचेंज हो रहा है उस पे हम कार्बोहाइड्रेट या कार्बन उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है. बट इस जो पर्टिकुलर में आप दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो हम सी एन रेशियो पे जो हम कैलकुलेशन दिखा रहे हैं इस पे हम यही बता रहे हैं कि भाई पानी हमने मछली पे जितने भी खाना दिए हैं, ठीक है, उस पे जितने भी कार्बोहाइड्रेट कार्बन है इसको हम सारे कैलकुलेशन पे दिखा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत फ्रीक्वेंटली वाटर एक्सचेंज उसको नहीं कर रहे, तो ठीक है. तो हम इसको और डिटेल्स पे हम डिस्कस करते हैं, सी एन रेशियो विथ ज़ीरो वाटर एक्सचेंज कॉन्सेप्ट. सो दोस्तों अगर आप इस चार्ट को अच्छे से देख रहे हो, ठीक है, जितने भी खाने पे मछली के खाने पे 30% प्रोटीन है, ठीक है, 30% प्रोटीन है, तो उस पे ऑटोमेटिकली जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है एंड नाइट्रोजन का रेशियो जो होता है ये 1:10 के आसपास होता है, ठीक है. तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो सी एन रेशियो का जो रिक्वायरमेंट होता है तो फुलफिल हो रहा है. तो 10:1 से लेके 20:1 तक उस पर 12:1 है, 15:1 है, 20:1 है, ये सारे जो सी एन रेशियो है ये प्रूवन है और इस पर सक्सेस मिला है. बस 10:1 के नीचे वाला जितने भी सी एन रेशियो है हुआ है इस पर अपने को उतना सक्सेस नहीं मिला है. सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ, आप जो मछली को खाना दे रहे हो, ठीक है, उस मछली पे अगर उस खाने पे अगर आपके प्रोटीन 30% है, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट 1:10 है आपका सी एन रेशियो, ठीक है. तो उससे हमको ऊपर ही जाना है, उससे हमको आपको नीचे अगर आएंगे तो आपके बायोफ्लॉक सिस्टम्स के लिए वो काम आपका नहीं करेगा. तो अगर 10:1 ऑलरेडी प्रूवन है उसके ऊपर और क्या क्या ऑप्शन है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है. बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे रिसर्च हुए, प्रोफेसर यरम अबनिमेले सर ने किया है और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी रिसर्च हुआ है, तेलापिया मछली पे रिसर्च हुआ है, ठीक है, आपका आपके बहुत सारे वेनामी प्रॉन के ऊपर रिसर्च हुआ है. उसमें सबसे जो अच्छा जो पाया गया है रिजल्ट उसमें 1:10 पे पाया गया है एंड 1:15 पे पाया गया है. क्योंकि अगर आप 30% प्रोटीन वाले, हम इंडियन लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो 1:10 का जो रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट फुलफिल हो रहा है. कैसे फुलफिल हो रहा है आप जब वीडियो जब आप एंड तक देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा. और उसके ऊपर का कौन सा और भी अच्छा ऑप्शन है उस पर हम अभी बात करेंगे. चलो हम नेक्स्ट वीडियो पे जाते हैं, इसको हम जल्दी खत्म करने के लिए हम ट्राई करेंगे. सो दोस्तों अब हम और एक रिसर्च पेपर आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इस पे भी एक स्टडी हुआ था, 6 मंथ का ट्रायल हुआ था. इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेशियो के ऊपर काम हुआ था, 10:1, 12.5:1, 15:1, 17.5:1 एंड 20:1 कार्बन नाइट्रोजन रेशियो. तो इसमें 10:1 एंड 15:1 का सबसे अच्छा रिजल्ट हुआ था, ठीक है. उसमें क्लियरली एक चीज बताया गया था, द रिजल्ट सजेस्टेड द 10:1 जो है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो दैट प्रोवाइड सर्वाइवल एंड ग्रोथ रेट ऑफ तेलापिया विथ नो वाटर एक्सचेंज. मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो मैं फंडा बता रहा हूँ ये नो वाटर एक्सचेंज के साथ, तो उसमें 10:1 पे सबसे अच्छा रिजल्ट हुआ था. और भी एक आप अगर आप देखते हो जो जो सी एन रेशियो जो 10:1 है ये प्रोफेसर यरम का भी एक आर्टिकल में है, रेफरेंस को दिया है. तो इस पर भी एक एग्जामिनेशन, इस पर भी एक ट्रायल हुआ था जिसपे 10:1 ही सबसे बेस्ट हुआ था. सो दोस्तों और भी एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था जो आप देख सकते हो, फेडरल यूनिवर्सिटी रियो ग्रैंडी ब्राज़ील में.
ठीक है, ये जो प्रोफेसर ब्रांडाओ है उन्होंने एक पर्टिकुलर ट्रायल किया था जिसमें 7.5:1, 10:1, 12.5:1 और 15:1 इतने सारे कॉम्बिनेशन के साथ इन्होंने भिनामी प्रॉन के ऊपर उन्होंने काम किया था। तो उन लोगों को जो सबसे अच्छा जो रिजल्ट मिला था वो 10:1 पे मिला था एंड 15:1 पे मिला था। ठीक है, अगर आप देख सकते हो इनका जो ग्रोथ है 10:1 एंड 15:1, ये 10:1 का अच्छा था। ठीक है, सर्वाइवल रेट जो था ये 15:1 का अच्छा था, मतलब बचने का क्षमता जो ज़्यादा था 15:1 में ज़्यादा था। ठीक है, अगर आप फाइनल बायोमास देखते हो ना तो 10:1 पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, फिर एफ सी आर अगर देखते हो ना तो 10:1 में ये बेटर था। ठीक है, इन शॉर्ट 10:1 15:1 दोनों में 19-20 का फर्क था और दोनों बेटर था, बट सर्वाइवल रेट जो बेटर था ये आपके 15:1 पे है। ठीक है, तो आज के दिन पे मैं बोलूंगा कि आप सर्वाइवल रेट पे ज़्यादा नोटिस करो क्योंकि मछली को बचा के रखना है आज के दिन पे बहुत ज़्यादा चैलेंज है। ठीक है, तो 15:1 एक आपका चॉइस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों और भी एक स्टडी हुआ था। ठीक है, तो उसमें 16 वीक वाला ये इंडियन कल्चर था, तो उसमें जो सबसे रिजल्ट जो अच्छा मिला था सीएन रेशियो वो 15:1 का मिला था और उसका भी कंडीशन था मिनिमम वाटर एक्सचेंज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें 15:1 का रिजल्ट सबसे अच्छा था। ये जो सारे जो मैं इंफॉर्मेशन रेफरेंस दिखा रहा हूँ ये सब प्रूवन है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट साइट से। ठीक है दोस्तों, दोस्तों और भी और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप ये एक पर्टिकुलर चीज़ देख रहे हो ये प्रोफेसर यरम का ही है। ठीक है, उन्होंने दो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे काम किया था, एक पे जो था जो कन्वेंशनल प्रोटीन होता है 30% देके, और एक होता है जो कार्बोहाइड्रेट एंडिस था जिसमें 20% प्रोटीन था। अगर आप 30% प्रोटीन देते हो और एक कैलकुलेशन में कितने परसेंट वेस्ट होता है वो 70% पकड़ते हो तो 10:1 आता है, 75% पकड़ते हो तो 11:1 आता है। तो अब इसको 10:1 या इसको 15:1 या 11:1 16:1 पकड़ो, एक ही बात है कैलकुलेशन 19:20। तो उसमें प्रूवन हुआ था कि जो 15:1 या 16:1 का जो फॉर्मूला है इस पे सर्वाइवल रेट एकदम 100% था 2:3 डेज का कॉम्बिनेशन पे, और 1:15 51 डेज के कॉम्बिनेशन पे अगर आप देखते हो ना तो मॉर्टेलिटी जो 15:1 वाला जो है जो 20% प्रोटीन वाला खाना है इस पे सबसे अच्छा हुआ था। फिश का ग्रोथ भी अच्छा था, ठीक है, फाइनल वेट भी उसका बहुत अच्छा था, मॉर्टेलिटी भी बहुत अच्छा था, बहुत कम मरा था एज कम्पेयर टू 10:1 के जो रेशियो होता है। फिर एफ सी आर भी इसका ज़्यादा ज़्यादा था 0.58 था, और 30% प्रोटीन वाला 0.84 था। दूसरे चांस पे जो 2:1 2:30 डेज वाला जो ट्रायल हुआ था उस पे तो एक भी मछली नहीं मरा था, मॉर्टेलिटी उसका 0 था। तो मेरा बोलने का मतलब है जो 15:1 होता है उसमें मछली बहुत कम मरता है एज कम्पेयर टू 10:1। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर आपके जो प्रोटीन का जो कंटेंट है ठीक है उसको आप जितना कम रखते हो वो आपके बायोफ्लॉक के लिए अच्छा है, और अच्छा रिजल्ट भी दिया था। 30% प्रोटीन के हिसाब से जो 20% वाला प्रोटीन था ना उस पे मछली का ग्रोथ एंड सब कुछ बहुत अच्छा दिया था, और आपके सी एन रेशियो भी बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ था। तो मेरा बोलने का मतलब है अगर आपके पास ऑप्शन है 30% प्रोटीन वाला और 20% प्रोटीन वाला, आप 20% प्रोटीन वाला ऑप्शन लो। 20% प्रोटीन वाला आप ऑप्शन लेते हो तो मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ऑलरेडी बढ़ जाता है, मतलब आपका कार्बन बना बनाया टैंक में ज़्यादा मिलता है। हो सकता है कि आपको मोलासेस देने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो, क्योंकि कार्बन का जितने भी रिक्वायर्ड होता है आपका मछली का जो कार्बोहाइड्रेट से कार्बन वो बैक्टीरिया को मिल जाता है। दोस्तों जैसे दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि जो 1:10 का रेशियो है अगर मछली के खाने पे 30% प्रोटीन है ये ऑलरेडी बैलेंस हो जाता है। ये कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा, और आपको कैसे आपको सी एन रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। आप एक एग्जाम्पल पकड़ लो, ठीक है, 100 kg का आपका मछली का बायोमास है टोटल टैंक में, उसका बॉडी का 4% के हिसाब से आप प्रोटीन देते हो तो आप उसको 4 kg फीड देते हो। ठीक है, ये जो 4 kg जो फीड होता है ठीक है ये इसको आप ग्राम पे कन्वर्ट करोगे तो 4,000 ग्राम फीड होता है आपको, आप डेली देते हो। ठीक है, और ये जो फीड होता है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना हुआ होता है। अभी हम इसको कार्बोहाइड्रेट हिसाब करेंगे, जो 4,000 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें क्या होता है 90% जो होता है वो आपका ड्राई मैटर होता है।
ठीक है, और 10% होता है आपके मॉइस्चर जो आपको ऐसे खाली रहता है क्योंकि वो फ्लोटिंग रहता है। 90% ही आपको मेन मटेरियल होता है, ठीक है। तो 90% मतलब 4000 ग्राम का होता है 3600 ग्राम, तो आपका मेन फंडा है 3600 ग्राम के ऊपर ही सारे कैलकुलेशन होगा। ये जो 3600 ग्राम है इस पे 70% वेस्ट होता है, जो मछली जो खाना खाता है आइदर वो खाना उसके बॉडी में पचता नहीं है, बॉडी से निकल जाता है, यूरिन से निकल जाता है, या ठीक है या खाना पानी में नीचे नीचे आके सेडिमेंट होके पानी पे नीचे आता है, जो वेस्ट वाला खाना होता है 70% ही खाना वेस्ट होता है। सिर्फ आप जितना खाना देते हो उसका 30% ही वो एब्जॉर्ब करता है बॉडी में, जो उसका ग्रोथ के लिए काम में आता है, ठीक है। तो 70% अगर वेस्ट होता है 3600 ग्राम का, 3600 ग्राम का 70% कितना होता है 2520 ग्राम। ये जो 2520 ग्राम है यही आपके मेनली जो वेस्ट मटेरियल होता है, इससे ही आप अपने आप को कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन का जो कैलकुलेशन है वो आपको देखना है, 4000 ग्राम पे नहीं देखना है, क्योंकि इतना ही बचता है बाकी का मछली खा लेता है अपने बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो 2520 ग्राम ही आपके वेस्ट मटेरियल है, यही आपके कार्बन एंड नाइट्रोजन कंट्रीब्यूशन में काम आएगा। तो अभी क्या होता है, अभी जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट होता है, जितने भी दाना से ग्रेन दाना से बनता है, तो उसका 50% ऑन एन एवरेज रिसर्च में पावा मिला है कि वो कार्बन होता है। तो 2520 ग्राम जो जितना वेस्ट है उसका 50% ही कार्बन होता है, मतलब 1260 ग्राम कार्बन होता है, जो फिट से हर रोज आपके पानी में ऐड होता है अगर आप इस कैलकुलेशन में जाते हो तो, ठीक है। आप जितना फीड आप दे रहे हो उसके हिसाब से सेम हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो, तो मतलब 1260 ग्राम कार्बन आपको डेली ऐड होता है आपके टैंक में, कार्बन है ये, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। नाउ अभी दूसरा क्या है आपका प्रोटीन। अभी इसका 2520 का 30% आपका प्रोटीन है, मतलब 756 ग्राम, ये आप कंसीडर मत करना, यही आपको कंसीडर करना है। 2520 ग्राम का जो वेस्ट मटेरियल है इसका 30% प्रोटीन है, मतलब 756 ग्राम आपको प्रोटीन है, ठीक है। ये जो 756 ग्राम प्रोटीन है इसका 16% आपका नाइट्रोजन होता है, मतलब 120.96 ग्राम नाइट्रोजन होता है। तो जैसे मैंने बोला था ना, ये आपका नाइट्रोजन आएगा, आपको देखो एक भाग नाइट्रोजन का 10 भाग आपको कार्बन है, ये ऑलरेडी 30% प्रोटीन वाला जितने भी 30% प्रोटीन वाला जितने भी खाना है उसमें 1:10 का ये ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है। अगर आप बायोफ्लॉक बहुत एकदम परफेक्टली आप करते हो ना, तो आपको बाहर से मोलासेस देने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि आपका जो मोलासेस का रिक्वायरमेंट होता है ये आपको इस 1:10 वाला 30% वाला प्रोटीन टैंक से हो जाता है। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को कुछ ना कुछ खामियां हो जाता है। दोस्तों क्योंकि अभी इंडिया में बायोफ्लॉक बहुत नया है और हम सभी लोग सीख रहे हैं, तो 10:1 को 100% मान के और उसको प्रॉपरली साइंटिफिकली ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, और कुछ महीना और मुश्किल रहेगा। तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या है, मेरे मुझे जितना पता चला है, मुझे जितना मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ, आप 12:1 भी आप चूज़ कर सकते हो, आप 15:1 भी आप चूज़ कर सकते हो, 20:1 मत करना। 20:1 पे अगर आप करते हो आपको इतना ज़्यादा मोलासेस, इतना ज़्यादा शुगर लगेगा कि आप पागल हो जाओगे। आप 12:1 ट्राई करो, 12:1 अगर नहीं होता है तो 15:1 लो, बट सबसे अच्छा जो मॉर्टेलिटी के सबसे जो कम मॉर्टेलिटी हुआ है वो 15:1 पे हुआ है। तो मैं दोनों का जो कैलकुलेशन है एक ही जैसा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैं, चलो मैं 12:1 नहीं बता रहा, 15:1 बता रहा हूँ आपको, आप दोनों ही चूज कर सकते हो, दोनों में ही रिजल्ट है। तो सपोज आप कार्बन और नाइट्रोजन आपने डिसाइड किया, मैं 15:1 मेंटेन करूंगा क्योंकि उसमें मछली कम मरता है, ठीक है, बहुत डेटा प्रूवन है। तो आपको फिर इसके हिसाब से आपको एक भाग नाइट्रोजन मारने के लिए, ठीक है, आपको 15 गुना कार्बन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपकी एक भाग नाइट्रोजन 120.96 × 15 गुना, तो आपको आ जाता है 1814.4 ग्राम, ठीक है। तो आपको टोटल इतने ग्राम कार्बन का जरूरत होगा,
लेकिन अगर आप देखते हो 1260 ग्राम कार्बन आपके पानी में ऑलरेडी है, जो मछली के खाना से आया है, ठीक है। तो ये आपको जो वैल्यू मिला, इससे आप 1260 माइनस कर दो तो आपको आ जाएगा 554.4 ग्राम कार्बन। तो आपको 554.4 ग्राम कार्बन देना है अगर आप 15:1 मेंटेन करते हो। अगर आप 12:1 मेंटेन करते हो तो आपको 191.52 ग्राम कार्बन ही सिर्फ देना है। ये आपके टैंक टू टैंक डिपेंड करेगा, ठीक है, आप कौन से आपके हिसाब से सुइटेबल हो रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज मैं मान रहा हूँ कि आप 15:1 पे कर रहे हो, आपको 554.4 ग्राम कार्बन का जरूरत है। मैं बोल रहा हूँ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट नहीं। तो अगर आप देखते शुगर, उसमें क्या होता है, 42% कार्बन होता है। मोलासेस वगैरह जो मोलासेस जो ले लेते हो, उसमें 22% के आसपास कार्बन होता है। तो इसमें आपको ज़रूरत होता है 554.4 ग्राम कार्बन। और अगर आप 1 kg आप शुगर लेते हो, उसमें 420 ग्राम आपको रहेगा कार्बन, और आपको चाहिए होगा 554 ग्राम। तो 1 kg से थोड़ा ज़्यादा आपको जाएगा, आप उसको कैलकुलेट कर लो। अगर आप मोलासेस लेते हो तो आपको लगेगा 220 ग्राम कार्बन होगा आपको 1 kg, 1 लीटर या 1 kg जो भी है मोलासेस में, 220 ग्राम। तो आपको इसमें चाहिए होगा 554 ग्राम। तो 220 प्लस 220, 2 kg से थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसको फुलफिल करने के लिए। तो इसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। शुगर का 42% कार्बन होता है, मोलासेस का 22% कार्बन होता है। आपको 12:1 के हिसाब से आपको 191 ग्राम कार्बन चाहिए होता है, और 15:1 के हिसाब से 554 ग्राम कार्बन होता है। ये आपको डिपेंड करेगा आप टोटल कितना ग्राम फीड दे रहे हो, ठीक है, और उस पर कितना कार्बन परसेंटेज है। आपको आपके जितना प्रोटीन परसेंटेज कम होगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, आपके लिए अच्छा होगा। आप 20% प्रोटीन वाला आप खाना अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बाई डिफॉल्ट 1:15 आ जाता है। 30% आप प्रोटीन वाला खाना यूज़ करते हो तो 1:10 आता है। 20% वाला अगर आप खाना यूज़ करते हो तो मेरे हिसाब से आपको बाहर से मोलासेस देने का ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आप ऑलरेडी 1:15 उसको मेंटेन कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत रिसर्च करके, मैं खुद काम करके, जिम्मेदारी के साथ ही मैं बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप बक रहा हूँ, ठीक है। मैं एजुकेटेड हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे पता है। बहुत सारे लोग बहुत कमेंट करेंगे कि भी बिना मोलासेस से भी हो सकता है। मैक्सिमम जगह पे बिना मोलासेस पे ही ट्रायल होता है, क्योंकि वो लो प्रोटीन खाना यूज़ करते हैं और ऑलरेडी उनका CN रेशियो खाने पर ही मेंटेन हो जाता है, ठीक है। अभी फेज टू पे हम आ जाते हैं। अभी आपने आपके पास तो रिएजेंट है, आपने अपना टैन टोटल अमोनियम नाइट्रोजन आपने देख लिया। सपोज आपको आया 2 PPM, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन और मिलीग्राम पर लीटर 2 PPM। और आपके पास 10,000 लीटर का टैंक है, तो आपको 10,000 लीटर का जितना पानी है उसको 2 से गुना करना है, तो आपको आ जाएगा 20,000 मिलीग्राम टैन, ठीक है। अगर आप इस मिलीग्राम को ग्राम पे कन्वर्ट करते हो तो आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो आपको 20 ग्राम टैन आता, ठीक है। अभी 1:15 मतलब अभी आपको ये जो 20 ग्राम है उसको मारने के लिए 1:15 के हिसाब से 20 × 15 करना है, तो मतलब आपको 300 ग्राम कार्बन देना है। अभी आपको 300 ग्राम अगर आपको कार्बन देना है तो आपको पता है कि शुगर में आपको 42, 1 किलो शुगर में 420 ग्राम है, आपको 300 ग्राम देना है, ठीक है। तो आपको कम से कम ऐसे 700 ग्राम या 800 ग्राम या 650 ग्राम जो भी है ऐसे लगेगा। और अगर आप मोलासेस पे अगर देखते हो तो 220 ग्राम है, 1 लीटर या 1 kg जैसे भी कंडीशंस पे हो, जैगरी पे, ठीक है। तो उसको हिसाब से आपको 220 से 300 चाहिए, तो मतलब 1 किलो 150 200 ग्राम अगर आपको मोलासेस देना है तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि 1:12 भी आप जा सकते हो, 1:15 भी आप जा सकते हो। मेरे राय मानो आप 1:20 मत जाओ, बहुत ज़्यादा आपको मोलासेस देना पड़ेगा अननेसेसरी, कहीं पे भी उसका रिजल्ट नहीं मिला है। और दूसरी बात है दोस्तों, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी आप मोलासेस ऐड करोगे, एट ए टाइम ऐड मत करना। एट ए टाइम अगर आप ऐड करोगे शुगर या मोलासेस, आपको DO का प्रॉब्लम होगा, सडनली आपको DO कोलैप्स करेगा। आप थोड़े थोड़े टाइम पे आप ऐड करो। सपोज आपको 1 kg ऐड करना है ना,
तो अभी थोड़ा आप 300 ग्राम ऐड करो, 1 घंटे के बाद और 300 ग्राम ऐड करो, 1 घंटे के बाद और 300 ग्राम ऐड करो, ऐसे थोड़ा 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 टाइम पे करो। एक साथ अगर 1 डेढ़ के लिए आपने पूरा ऐड कर दिया ना, डीओ फटाक से आपको 5 से आपको 3 पे 2 पे आ जाता है। और ये प्रॉब्लम होता है, मेन वही प्रॉब्लम होता है कि हम एक साथ ही पूरा मोलासेस ऐड करते हैं, थोड़े एक एक दो दो डेढ़ डेढ़ घंटे के बाद आप मोलासेस ऐड करो तो आपके ये प्रॉब्लम डीओ का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई मैं एक साथ ऐड करके भी मेरा डीओ का प्रॉब्लम नहीं होता है, देन इट्स योर विश। पर जिन लोगों को डीओ का प्रॉब्लम होता है, आप थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पे आप मोलासेस ऐड करो, चीनी ऐड करो, आपका डीओ का प्रॉब्लम जो घट जाता है इमिडिएटली, ये प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। आई नो आपको अगर बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखेगा, आप मुझे व्हाट्सएप करो। अगर मुझे बहुत क्रिटिकल कोई भी प्रॉब्लम लगा, मैं आपको कॉल बैक करूँगा। कॉल के लिए अगर मैं ओपन करूँगा तो 24 घंटा मेरा मोबाइल बजता रहेगा, मैं किसी का भी कॉल नहीं ले पाऊँगा, तो आपको किसी को भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप व्हाट्सएप करो और कमेंट बॉक्स पे भी डालो, मैं दोनों पे मैं रिप्लाई करूँगा, और धीरे धीरे मैं कॉल लेना भी चालू करूँगा। बट आप स्टार्ट करो इनिशियली व्हाट्सएप से, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कॉल बैक भी करूँगा एक पर्टिकुलर नंबर से। आपको स्क्रीन में दिख रहा है मेरा व्हाट्सएप का नंबर, ठीक है दोस्तों। और कुछ दिनों में मेरा बैंगलोर का प्लांट रेडी हो जाएगा, मैं आप लोगों का एड्रेस वगैरह दे दूंगा। मैक्स टू मैक्स कुछ दिनों में, 3 हफ्ता 2 हफ्ता में हो जाएगा। तो आप चाहिए तो आप विजिट करो आके, और हम फेस टू फेस बात करेंगे तो और भी चीज़ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट, एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।